हरनकाट का कार्यक्रम आपके बीच में है। तीनों कलाकारों का जैसी फरमाइश हुई होल सिंह नौटंकी के इतिहास से, भाई सिटी थोड़ी ठीक करिए इसकी। एक जगह सेट कर दे। जिस समय फूल सिंह की भाभी ने ताना मार दिया, लड़का फूल सिंह मुल्तान शहर की तरफ चल पड़ता है। तीन चार रोज में ही मुल्तान शहर में पहुंच जाता है। एक बाग दिखाई देता है, मन में विचार करता है कि यहां विश्राम करूंगा। लड़का फूल सिंह फाटक के ऊपर पहुंच जाता है। वहां जाके क्या विचार करता है मन में, आया थका हुआ था, क्या लिखा है पंडित जी ने, क्या कहा, क्या चढ़ायाल कस काया के मां यो पुरजा पुरजा और न्यू सोची थी फूल संग ने कर बागा में डेरा संध्या समय पवन मन हो जा दरखत भी कमहाल अंत्य बच्चे रहे याल ने संध्या समय संभाल की उड़े बचेरे न कसर उड़न मघाल जीवर जंतु पशु पखेरू अब चाचे रैन बछेरा घोड़े से नीचे उतर के आवाज लगाता है लड़का फूल सिंह। बाग में मालन थी, भाग दौड़ के आती है कौन के मैं एक परदेशी के बात भाई एक तेरे बाग में डटना चाहता हूँ। मैं परदेशी बड़ी दूर कारी करके आ गया आस प्यारी रे मैंने ठहरा लिए इन बाग में। मालन कहती है कि परदेशी ये जनाना बाग है, यहाँ आप नहीं ठहर सकते। बड़ी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, आखिर कहता है कि तू घरबारी के धर्म को नहीं जानती। कि तू जानता है कि मैं जानता हूं घरबारी का कैसा धर्म, बताता है लड़का फूल सिंह उस मालन को। क्या कहा,
एरी परदेसी ने शरण लई तेरी एक रात काटण में तो घर भारी का धर्म भूल की तार खड़ी नाटण ने परदेसी में शरण लई तेरी को सम सेवा ठाक करे ले के घरबारी के आवे से कोई घरबारी के आवे से ओए आधा दुख बटन ने घरबारी बकास का के वो फूल सिंह उस बागा में प्रवेश कर गया। फिर उस नौटंकी के लिए एक हार बनाता है, हार को लेकर वो मालन नौटंकी के पास गई। उसने ओड्डा ले लिया उड़े के, ये मेरे एक भाणजे की बहू है, उसने बनाया है। नौटंकी ने कहा कि कल भाणजे की बहू लेकर आइए। वो मालन आके सारी बात बताती है। फूल सिंह जनाना भेष धारण करता है और उस मालन के साथ वहां नौटंकी के महल में पहुंचा। हर जब उस नौटंकी ने वो फूल सिंह देखा जनाने भेष में, एकदम मतवाली सी होगी, दीवानी सी होगी। दो घनी सुथरी लुगाई जब कट्ठी हो जाए, उनकी बतड़ा न्यारी व्याग्रे, वो नजारा ही कुछ अलग होता है। कैसे मिली दोनों, क्या बातें हुई, पंडियों ने श्रृंगार रस के बोल लगाए। क्या कहा, हे रे आनंद होने लगे काया मैं, जब हाथ मिले आथा मैं, वो रमिसरी कैसी ये डली घुलन लगी आपस की बाता मैं।
ने धनकारी गरमाड़ी एक गोरी एक सामवर्ण की ये जुल्फ छोड़ी काली गणिये के मां ये लटपट होरी या मेवा कैसी डाली सेब अंगूर लपेटन जोगे सेब अंगूर लपेटन जोगे हुए केले के पत्ता में धारण व्यक्त सही से फाट खोलो फाट खोलो कोई बबोल दई से इन पागा का रखवाला कोई मानस नहीं से के कन्हा में दाचे ठुकरे बड़े ऊंचे स्वर मटिए बढ़िया बंदे का पाप का भया लड़ास छोटे मोटे कर्म करे ते दुनिया के पाप बढ़ास जको आज किसे के बिना बोला रे उसका भाग बढ़ास श्रद्धा धर्म फिर दोनों चाहिए श्रद्धा धर्म दोनों ये आए गए डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर साहब शिवकुमार जी तीनों पार्टियों को 100-100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के ओ बड़े भाई राजपाल लिठारी दो तीनों पार्टियों को 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं आशीर्वाद देते हैं धन्यवाद धन्यवाद
हमका आँख कटीली अकल कड़े ते रूप गढ़न की अकल कड़े ते आगी बे माता में अपना भी लहना चाहिए आए गए अतिथि का बदले दुख सुख सहना चाहिए इन पगा का रखवाला कोई मानस रहना चाहिए और कई बोलिया मंदा मंदा बड़े ऊंचे सोर मटेरा तू सची थी कौन संदन पर पका मटेरा कृष्ण कृष्ण कहे थी ऋषि मुनि भूखे कंगला के आराधना चरण कहे थी वे कुंती और द्रौपदी रानी बड़े बड़े कष्ट सहे थी और दो रोटी ते कोई दे दे दो रोटी यो पेट खड़ाया टन में घर पारी ठाडा पहलवान हो
नुकार बोलिया पोचा पकड़ लिया ईसा करड़ा पकड़ लिया। अरे कोई कोई पहलवान खून बंद कर दिया हाथ का। लेकिन यह भी एक तासीर बताई है कितना ठंडा पहलवान हो औरत का हाथ पकड़ेगा कितना करड़ा बीच दिए। मर्द के हाथ की तासीर ऐसी होती है से अगली का खून बंद हो जाओ लेकिन उसका चेहरे पर शकन नहीं आवेगी। ये कुदरत का काम है। फूलसंग ने उस नौटंकी के हाथ में हाथ गाल्या हाथ पकड़ा एक बात करड़ा करड़ा लग गया फिर वह तासीर काम करगी उल्टी है सीढ़ी होगी इस डाल होगी जिस डाल वो आ रहे हैं। रूप जनना चढ़ हमर दप्पा रूप जनना जो तस्वीर लेकड़ अगी जती सती के मिलने की यत समय आने के भेड़ेगी नौटंकी थी जात बीर की परते आत कलाई मुड़ेगी पर दुख न मना है प्रेम में भर के उसके उल्टी सिड़क पड़ेगी माँ के सिड़क होया करे माँ के सिड़क होया करे इन बालक की लता में इसे बंध्याते ईश्वर रोज मिलावे तो बंदा शुभ कर्म करे वो परम पदी पद पावे गुरु मान संग शिष्य लक्ष्मी चरण है सहज सहज समझावे और इब चलन का टेम रहा ना जो होता है वह अंधेरा